दोस्तों गूगल हर साल इंडिया में एक इवेंट करता है जिसका नाम है गूगल फॉर इंडिया। ये इंडिया में क्या लाना चाहते हैं, क्या क्या नया करना चाहते हैं, ये इस इवेंट में हमको और आपको बताते हैं दोस्तों। जो इस साल गूगल फॉर इंडिया 2019 हुआ वो बहुत ही शानदार हुआ दोस्तों। इसमें उन्होंने बताया कि वो क्या क्या अपडेट लाना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा अपडेट होगा वो होगा हमारी रीजनल जो है लैंग्वेज के लिए दोस्तों। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और एक छोटा सा जो अपडेट आया है यूट्यूब का, हम उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल द्विवेदी, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, लेकर आया हूं आज का एक खास एपिसोड गूगल और यूट्यूब के ऊपर। तो बने रहें मेरे साथ, बिना देरी करें आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला अपडेट आता है गूगल फॉर इंडिया इवेंट में गूगल की तरफ से, वो होगा गूगल सर्च के लिए। अभी तक आप कोई चीज़ सर्च करते थे, कोई आर्टिकल सर्च करते थे, तो उसका जो रिजल्ट दिखाते थे वो दो लैंग्वेज में दिखाते थे, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। लेकिन अब ये हिंदी और इंग्लिश का जो रिज़ल्ट है कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 9 और रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं दोस्तों उसमें भी आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जो लैंग्वेज जो रीजनल अभी नई जो ऐड करी है दोस्तों वो हैं तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती, मराठी, और जो है दोस्तों आपको 3 और लैंग्वेज में ये मिल जाएगा, उर्दू, पंजाबी और उड़िया भी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट की, जो कि आता है गूगल असिस्टेंट के लिए। दोस्तों गूगल असिस्टेंट जो है, अभी तक अगर आप कोई चीज़ पूछते हो अपनी वॉइस कमांड से तो उसमें हिंदी और इंग्लिश में आपको रिज़ल्ट मिल जाता था, लेकिन अब जो है दोस्तों अब आपको इसका रीजनल में भी जो है बहुत सारी लैंग्वेज में मिल जाएगा। अब जो रीजनल जो ऐड करी गई हैं लैंग्वेज वो कुछ इस तरह हैं, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू और मराठी, बंगाली दोस्तों। तो ये सब लैंग्वेज में भी अब आप जो है अपनी जो रिज़ल्ट ढूंढना चाहते हैं या आप जो चीज़ सर्च करना चाहते हैं इसमें आसानी से आपको रिज़ल्ट मिल जाया करेगा। बात करते हैं दोस्तों एक और नया चीज़ जो है गूगल ने लॉन्च करी है, वो है वोडाफोन और आइडिया यूज़र्स के लिए। दोस्तों उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जो है इशू कर दिया है, उसको अगर आप मिलाएंगे तो आप सीधे गूगल असिस्टेंट से बातचीत कर पाएंगे। जो गूगल जो असिस्टेंट है दोस्तों वो अभी तक आप मोबाइल से तो करते ही थे, लेकिन अभी आप कॉल से भी कर सकते हैं। और गूगल ने ये बताया है कि अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी यूज़ कर सकते हैं इसको, कितने बार भी आप ये नंबर जो है वो डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है दोस्तों, टोल फ्री नंबर मैं आपको बता दूं, ये है 000-800-9191-000। तो इस नंबर से आप जो है अपनी जो भी चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट की, जो कि है गूगल पे की तरफ से, यानी गूगल पे के लिए। दोस्तों गूगल ने गूगल पे में अब NFC जो कार्ड्स हैं पेमेंट है वो भी ऐड कर दिया है, रोल आउट कर दिया है उसके लिए। यानी कि आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आसानी से आप गूगल पे जो ऐप है उसमें सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और उसके बाद उस कार्ड से आप पेमेंट कर पाएंगे दोस्तों। बात करते हैं अगले अपडेट की, जो कि है गूगल लेंस की तरफ से। दोस्तों गूगल लेंस आपको पता ही है कि किस तरह यूज़ होता है। आप क्या करते हैं, कहीं आप हैं और आपने कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपने अपना मोबाइल खोला, गूगल लेंस खोला और उसको स्कैन किया और वो चीज़ ट्रांसलेट होकर आपके सामने हिंदी या इंग्लिश में आ जाती थी। लेकिन अब आपको इस गूगल लेंस में और भी भाषाओं का, यानी हमारी रीजनल जो लैंग्वेज है उसका सपोर्ट मिल जाएगा। यानी कि अब आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी कई सारी लैंग्वेज में आप जो गूगल लेंस से रिज़ल्ट ले सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि है गूगल ने BSNL के साथ हाथ मिला के एक नया जो है लॉन्च किया है उन्होंने गूगल स्टेशन नाम से। दोस्तों ये इसका जो यूज़ इसलिए किया गया है या इसको कोलैबोरेशन इसलिए किया गया है ताकि गूगल और BSNL मिल के इंडिया में 400 रेलवे स्टेशन में जो है फ्री वाईफाई का जो सिस्टम है वो लगा सकें और वो जनता के लिए उसको रोल आउट कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जो कुछ आज के जो इवेंट या जो गूगल इवेंट 2019 में जो अपडेट आए हैं वो। अब दोस्तों एक अपडेट और है यूट्यूब की तरफ से, और शायद ये अपडेट जो है किसी भी यूट्यूबर को अच्छी ना लगे। अभी तक दोस्तों क्या होता था कि आपने YouTube चैनल खोला और
आपने खूब मेहनत करी, वीडियोस डाले, सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। जैसे ही 1,00,000 सब्सक्राइबर होते थे आपको एक बैच मिल जाता था, वेरीफाई बैच। अभी गूगल ने क्या कर दिया है कि वो बोल रहे हैं कि हम भैया अक्टूबर से ये जो बैच दिया था हमने सबको, जिनके जिनके 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, उनसे हम छीन लेंगे। अच्छा भाई, छीन लीजिए, कोई बात नहीं। अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि भाई हम ये देंगे किसको बैच, ये बैच जो है वो उनको देंगे जो YouTube पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, या जिनको सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। अब वो डिसाइड कैसे करेंगे, वो डिसाइड वो खुद ही करेंगे। अब वो मतलब अपने मोनोपोली है भैया, अपने मन से डिसाइड करेंगे। तो ये अपडेट थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अब एक चीज़ और आई है इसमें कि जो चैनल म्यूज़िक चैनल थे उनको जो अभी ब्लू टिक मार्क का जो बैच मिला था वो उनसे भी वो छीन लेंगे। अच्छा भाई, पर उनको गलीमत यह है कि उनको जो है एक दूसरे कलर का जो है टिक मार्क दिया जाएगा। तो ये गूगल समझ में नहीं आ रहा है मुझे करना क्या चाह रहे हैं। आप अपडेट करें, अच्छे करें, पर ऐसे करें कि जिन्होंने मेहनत करी है और अब जो कमाया है उन्होंने, भाई मेहनत करी है तभी आपने दिया है, तो अब आप उनसे वापस छीन रहे हो, इसका मतलब बनता नहीं है। तो ये मेरी तरफ से भाई ये अपडेट बेकार ही है। खैर, अब YouTube ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण जो अपडेट गूगल और YouTube की तरफ से। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Please subscribe my channel, hit like button and press bell icon. Yours Rahul Dwivedi.